साथियों, बीते कुछ समय से देश में और युवाओं में बहुत चर्चा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की। ये एक्ट क्या है, इसे लाना क्यों जरूरी था? युवाओं के मन में बहुत से सवाल भांति भांति लोगों के द्वारा भर दिए गए हैं। बहुत से नौजवान जागरूक है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अब भी इस भ्रम के शिकार हुए हैं, अफवाहों के शिकार हुए हैं। ऐसे हर युवा को समझाना भी हम सबका दायित्व है और उसे संतुष्ट करना भी हम सबकी ही जिम्मेदारी है। और इसलिए आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर मैं फिर से देश के नौजवानों को, पश्चिम बंगाल के नौजवानों को, नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों को आज इस पवित्र धरती से और युवाओं के बीच खड़ा होकर के जरूर कुछ कहना चाहता हूं। साथियों, ऐसा नहीं है कि देश की नागरिकता देने के लिए भारत सरकार ने रातों रात कोई नया कानून बना दिया है। हम सबको पता होना चाहिए कि दूसरे देश से किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति जो भारत में आस्था रखता है, भारत के संविधान को मानता है, भारत की नागरिकता ले सकता है। कोई दुविधा नहीं है इसमें। मैं फिर कहूंगा, सिटीजनशिप एक्ट नागरिकता छीन लेने का नहीं, ये नागरिकता देने का कानून है।